नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद की सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल और साथ ही साथ जीआरपी पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं एसपी राजेश द्विवेदी ने एसडीएम दीक्षा जैन के साथ शहर के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव की कोशिश की, जिसको लेकर जिला प्रशासन रेलवे स्टेशन पर सतर्क नजर आया, जिसके बाद प्रदर्शन से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन को प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। कोतवाली फरुखाबाद के आईटीआई श्यामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास आज सुबह करीब 11 बजे कुछ युवकों के द्वारा कानपुर जा रही ट्रेन पर पथराव करने का प्रयास किया गया, जिसके पुलिस की सतर्कता के चलते पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया। साथ ही भागते हुए युवकों में से 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। उन पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। आपको बता दें कि इसी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। इस दौरान जीआरपी और सीआरपीएफ की टीम ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च निकाला और शांति का संदेश दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद के ऐलान के बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। फिरोजाबाद जिले में भी भारी पुलिस बल देखा गया। प्रशासन ने कमर कस ली और साथ ही साथ आपको बता दें, कई रेलवे स्टेशनों पर भारी तादाद में आईटीबीपी के जवान, उनके अलावा सिविल पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे यदि कोई विरोध प्रदर्शन करने आता है तो उसको वहीं पर रोका जा सके। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर आईटीबीपी बलों के साथ आपको बता दें, जवानों के अलावा एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, एसडीएम शिव ध्यान पांडे के निर्देशन में जीआरपी तथा विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। इधर बस्ती में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। इसी घड़ी में पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। डीएम और एसपी ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही तैनात कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही फायरिंग भी हुई। फायरिंग का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विवाद में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रेफर कर दिया है। उधर गदरपुर में नगर पालिका के सभासद मनोज गोबार ने आज अनाज मंडी स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पालिका प्रशासन पर विकास कार्यों को गति प्रदान करने में सौतेला व्यापार अपनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान वार्ड नंबर 6 के सभासद मनोज गुंबर ने कहा है कि गदरपुर नगर पालिका में कई घोटाले किए जा रहे हैं, जिसके बीच बीच में विरोध जताने पर उनके साथ आज सौतेला व्यापार किया जा रहा है। विकास से सभासद गदरपुर नगर पालिका में मेरे द्वारा आज से पहले भी बोर्ड की बैठकों में और इस बार जो 18/5/2022 में जब बोर्ड की बैठक हुई थी, मेरे द्वारा 23 लिखित प्रस्ताव नगर पालिका में रिसीव करवा गए, रखवाए गए बोर्ड की बैठक में, और 3 अन्य प्रस्ताव थे जिसमें गौशाला का और 2 अन्य प्रस्ताव और थे, और बोर्ड की बैठक में लिखित रूप से मैं रिसीव करवा के लाया। उसके बाद जब 15/6/2022 अभी परसों ही
दो तीन दिन पूर्व जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे वार्ड का 1 रुपए का काम भी 3.25 करोड़ के कामों में नहीं निकाला गया, एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपए का काम निकाला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पैसा सरकार दे रही है सब वार्डों के लिए दे रही है, एक किसी एक वार्ड के लिए इतना पैसा नहीं दे रही है कि भाई और वार्डों में बिल्कुल काम ही ना हो, बाकी एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपया लगा दिया जाए। तो इससे मेरे वार्ड की जनता में भारी रोष है और मतलब इतना उत्पीड़न मेरा किया जा रहा है और मैं वार्ड की जनता का सम्मान करता हूँ कि इतना उत्पीड़न नगर पालिका चेयरमैन द्वारा किए जाने के बावजूद भी वो संयम बनाए हुए हैं, आज तक उन्होंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, इसके लिए भी मैं वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। उधर ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्ग से चेन स्नैचिंग, लड़की से छेड़छाड़ और दो पहिया वाहन चोरी कर पुलिस के डाक में दम करने वाले शातिर बदमाश को आखिरकार पुलिस और एसओजी की देहात की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से बुजुर्ग से छीनी गई चेन, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बलरामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते गोलीकांड का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां एक युवक ने प्रेम प्रसंग को लेकर महिला के पति पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जालौन में दो पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने आए दरोगा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ही पक्षों में बवाल मच रहा है। यहां पर पत्थरबाजी भी की जा रही है, एक महिला के द्वारा पत्थर फेंका गया है, महिला हरी साड़ी में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये पत्थरबाजी हुई है। बता दें कि मामले की जाँच करने आए दरोगा के साथ एक पक्ष के लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर यातायात पुलिस ने बारात में जा रही 4 टैक्सियों को सीज कर दिया है और गाड़ियों को पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय भिजवा दिया है। बता दें कि टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलशाद अब्बासी की शिकायत पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रज किशोर त्यागी ने अपने सहकर्मियों के साथ शिव चौकी पर एक साथ 4 गाड़ियों को रोका। पूछताछ में पाया गया कि मौजूदा वाहन घरेलू हैं और इनका इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया जा रहा है, इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। उधर औरैया में चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां चोरों ने एक घर से रात में 30 लाख के चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने अलमारी खोलकर 35,000 रुपये नगद और जेवरात चुरा लिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक हफ्ते तक चलने वाले योग कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर से गोपेश्वर मुख्य बाजार और गोपीनाथ मंदिर तक रन फॉर योगा रैली का आयोजन किया गया। जनमानस को योग के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस दौरान DM हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रन फॉर योगा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कन्नौज के एक बेटे अनिकेत ने UP बोर्ड परीक्षा में टॉप 3 आकर अपने पिता को रिटर्न गिफ्ट दिया है। बेटे का प्रदेश में 3रा स्थान आने पर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटे के इस सफलता से गदगद पिता इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मान रहे हैं। उनका कहना है कि बेटा आगे जो भी पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए उसे पूरी आज़ादी है, परिवार की तरफ से समर्थन मिलेगा। UP बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में जहां जिले के छात्रों ने पूरे प्रदेश में जिले का नाम रोशन कर परचम लहराया है, वही छात्र अभिषेक साहू ने हाई स्कूल की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है।
इस खुशी में स्कूल स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होनहार प्रतिभाओं का उज्जवल भविष्य की कामना की है। देखिए, सर्वप्रथम मैं इन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। बच्चों के साथ साथ जो हमारी इस कॉलेज की टीचरों की जो टीम है, उसने इतने कम समय पर इतनी मेहनत करके इन बच्चों के सभी डाउट्स को क्लियर करवाया। सर्वप्रथम इनके सभी कोर्सेज को पूरा करवाया। जो मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है कि अधिकतर विद्यालयों के बच्चों का कोर्स ही नहीं पूरा हो पाया, उस पर विद्यालय प्रबंधन की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि समय कोविड की वजह से बहुत कम मिला। लेकिन मैं अपने टीचरों को इसका पूरा श्रेय देना चाहता हूँ, खास करके जो गणित के और मेरे जो बच्चे हैं अभिषेक, इनके जो गणित के टीचर थे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयासों के बावजूद इस विद्यालय के बच्चों ने इतनी मेहनत की और जनपद पर गणित पर 100 पर 100 अंक लाने वाला पहला छात्र बना। बहुत बहुत अच्छे थे। जैसे कि हमें कोविड-19 लगा था, बहुत ही कम समय में ऑनलाइन के माध्यम से हमारे डाउट क्लियर करते रहे सर लोग, और यहाँ एक्स्ट्रा क्लासों की भी व्यवस्था है। आगे क्या आपकी बनने की सोच है? सर, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, जो मैं BSF ज्वाइन करना चाहता हूँ। आगरा के थाना एतमदोला अंतर्गत आगरा दिल्ली हाईवे NH2 पर 102 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगते लगते भीषण रूप इसने धारण कर लिया। वहीं मौके पर मौजूद सिपाही ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर चालक और दो कर्मचारियों को बाहर निकाला और चौकी में लगे नल के पाइप से आग बुझाई। बता दें कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 102 की एम्बुलेंस आगरा के खंदौली से, आपको बता दें नंदलालपुर स्थित एम्बुलेंस वर्कशॉप के लेडी लॉयल अस्पताल जा रही थी। इस दौरान उसमें चालक और दो कर्मचारी बैठे हुए थे। रामबाग पुलिस चौकी के पास अचानक कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद सिपाही ने गाड़ी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। अमेठी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उधर श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट के मुहिम स्वच्छ पहाड़ की सालगिरह पर सभी टीम सदस्यों ने NIT के पास बद्रीनाथ रोड पर अपने राज्य पुष्प बुरांस के रस चार धाम में आए लोगों को और यात्रियों और राहगीरों को गर्मी के मौसम में निजात दिलाने के लिए शरबत बांटा, जिसमें थाना अध्यक्ष श्रीनगर हरिओम चौहान, जिला व्यापार सभा अध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने भी अपनी भूमिका अदा की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से राहगीरों को शरबत बांटा गया है। साथ ही साथ जो लोग बस में बैठे हुए हैं, उनको गर्मी से निजात पाने में यहाँ पर एक बेहतरीन भूमिका निभाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट की पहली सालगिरह पर एक कार्यक्रम किया गया, और इस कार्यक्रम के तहत आम राहगीरों को और जो लोग चार धाम यात्रा में जाने जा रहे थे, उन लोगों को शरबत बांटा गया, ताकि उन लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।